इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। मामा मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? वैसे तो आप काफी माहिर शेफ हैं एंड आई एम श्योर आपने सब कुछ बना लिया होगा, लेकिन और ये जो सैलेड आप बना रही है ना, अमेजिंग। क्या करोगी तुम मेरी मदद? क्या कर सकती? मुझे तो लगता है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती हर रोज मेरे लिए एक नया इम्तिहान सामने खड़ा होगा। जिंदगी किस कदर तकलीफ दे बना दी है तुमने मेरे लिए। मेरी मदद करोगी? मामा प्लीज इस तरह परेशान मत हो। मैंने बाबा को कॉल की थी, वो जरूर आएंगे खाने पर। और तुम समझती हो कि ये खबर देकर तुमने मुझे खुश कर दिया? याद रखो सुंदर, जिस तरह उस शख्स के ना होने से तुम्हारी जिंदगी तकलीफ दे और अजियतनाक थी, उस शख्स का अब मेरी जिंदगी में इस तरह यूं शामिल हो जाना इंतहाई तकलीफ दे और अजियतनाक है। मगर मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूं कि मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। मैं जानती हूं आप मुझसे कितना प्यार करती, कितनी मोहब्बत करती। मैं ये भी जानती हूँ कि आज जो कुछ भी आपको मेरी वजह से फेस करना पड़ रहा है वो आपके लिए कितना मुश्किल है। But I love you too. मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद आप खुश रहें, बहुत बहुत खुश रहें, इतनी खुश के माजी की सारी तकलीफें भूल जाया। तो तुम हो मेरी होने वाली भाभी। मैंने तो तुम्हारी बहुत सारी तारीफें सुनी और तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल गलत नहीं सुनी। फेदर पास है। शुक्रिया। भाई मेरी तो इन दोनों से खूब लड़ाई हुई कि मेरे बगैर ये एंगेजमेंट सेरेमनी हुई तो हुई कैसे, लेकिन तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है कि इन दोनों से रहा नहीं गया होगा और खास तौर पे हैदर से। क्यों है तुम्हें पता है बचपन में मैं अपनी मम्मा की सबसे चहेती बेटी। जी हाँ, और मम्मा को सबसे ज्यादा तंग भी आपने ही किया। मामा? और ये आपकी सोच है कि आप मामा की सबसे लाडली थी, क्यों मामा? You jealous fellow? सुंदस, तुमने इसकी किसी बात पे यकीन नहीं करना, ये वैसे ही मुझसे जेलस हो रहा है। सुंदस वैसे भी आपकी बात को सीरियस नहीं लेगी, ये हमारी पार्टी का बंदा है। जनाब आपकी पार्टी के बंदे को बहुत जल्द अंदाजा होने वाला है कि मुझसे बना के रखने में ही खैर आफियत। हाँ ये बात तो इसने बिल्कुल ठीक कही है, मैं तो खुद यही कहती हूँ कि इस लड़की से बना के रखने में ही खैर आफियत है सबकी। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगाती हूँ। अरे 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 आंटी, पहले ये तो बताती जाइए कि सुंदस ने क्या बनाया है। मैं तो अपनी भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए आई। सुंदस तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सारे मार्क्स मुझसे मिलने वाले। आंटी ऐसे शाम अंकल नजर नहीं आ रहे, खाने पे ज्वाइन नहीं करेंगे हमें? बिल्कुल, बस बाबा आने वाले होंगे। हाँ उन्हें तो आना ही होगा, वरना तुम्हारे हलक से निवाला कैसे उतरेगा। जी बिल्कुल, आखिर वो मेरे बाबा है। मैं भी आती हूँ। जी जी, और बताइए होने वाली भाभी साहब क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? तो वहां जाने की तैयारी है? अगर ये बात तुम मुझसे बार बार पूछोगी तो ये चंद दिन तुम्हें बहुत ज्यादा लगेंगे। मैंने तुम्हें एक दफा कहा है मैंने जाना है वहां, तो मैंने जाना है।
ठीक है, मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप जब भी वहां जाएंगे मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, उन लोगों से मेरा तारुफ करवाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। बोले, मंजूर है? मुझे यकीन है अतिशा, अगर आपके दिल में कोई खोट या बेईमानी नहीं होगी तो आप मेरी बात मानेंगे। कैसी बच्चों वाली जिद कर रही हो तुम? सुंदस के इन-लॉज को नहीं पता कि तुम्हारी और मेरी शादी हुई है, और तुम चाहती हो कि मैं जाके तुम्हें उनको इंट्रोड्यूस करा दूं? मेरा शक 100% दुरुस्त साबित हुआ। इसका मतलब यह है कि सुंदस के कहने पर आप दोनों खुशबाश मियां बीवी होने का ढोंग रचा है, ऐसा ही है ना इतिशा? जो कुछ भी है इसमें मेरी खुशियों का कोई अमल दखल नहीं है। मेरे लिए बहुत पेनफुल है, तो मैं सिर्फ सुंदस के लिए निभा। तहरीर से मेरे इख्तलाफात का निशाना सुंदस बनी है, और उसके जख्मों का इलाज हम सबको मिलकर करना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर तो कल आपको उन ज्यादतियों का भी ख्याल आने लगेगा जो आपने तहरीम के साथ किए, और मैं इस घर में बैठी इस गफलत में मारी जाऊंगी कि मैं तो शौहर की छत के नीचे महफूज हूं। पागल मत बनो नायला। जब बीवियों को अकल आने लगती है ना एहतशाम, तो वो शौहरों को पागल लगने लगती है। पागलपन का मुजाहरा मैं माजी में एक मरतबा कर चुकी हूँ, जब अपने होने वाले शौहर एहतशाम अहमद को प्लेट में रखकर अपनी बेस्ट फ्रेंड तहरीम अंसारी को पेश किया था कि ये लो ये तुम्हारा है। लेकिन ये गलती मैं दोबारा दोहराने वाली नहीं हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगर आप मुझे लिए बगैर वहां गए तो मैं किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर वहां पहुंच जाऊंगी। सुन रहे हैं ना आप? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मेरी बेटी की खुशियों और उसके आने वाले कल को नुकसान पहुंचे, समझी तुम? और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तो क्या करेंगे आप? जुमला मुकम्मल करें। हेलो, हाँ सुंदस, हाँ बेटे मैं आ रहा हूं। आज तुमने मुझे बरसों पुरानी तहरीन याद दिला दी। तुमने एहसास दिलाया है मुझे कि औरत के कितने भी रूप हों, बीवी का एक ही रूप होता है। मौत खाई ही करा। मेहमान तो अल्लाह मियां की रहमत होते हैं। बेटे। हाँ जी, आप प्लीज यहाँ के बैठिए ना। I'm sorry, मैं आपकी जगह पे बैठ गया। माज़ूर चाल। यहाँ बैठ। I'm sorry. देखा मामा, कितनी चालाकी से आके सुंदस के पास बैठ गया। सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि उसके बराबर में बैठने का बहाना चाहिए था? मैडम जरा दिमाग को क्लियर करें, मुझे सुंदस के बराबर में बैठने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। क्यों अंकल? आंटी मैं बैठ सकता हूँ ना सुंदस के बराबर में? हाँ बेटा बिल्कुल। वैसे आंटी खाना बहुत मजेदार है। आई एम सरप्राइज कि अंकल अभी तक इतने स्मार्ट कैसे हैं। मैंने सुना है जिन खवातीन के हाथ में बहुत टेस्ट होता है उनके हस्बैंड्स फॉरेन मोटे हो जाते हैं। हाँ भाई साहब, ये राज जरा हमें भी तो बताएं। तहरीम इतना शानदार खाना बनाती है तो आप खुद पर कंट्रोल कैसे करते हैं?
विद्यत, ये कबाब ट्राई करो, बड़ी खास रेसिपी से बनाए हैं मैंने। श्योर। और अगर तुम्हें ये कबाब पसंद आए तो मैं तुम्हें तरकीब बता दूंगी। अरे आंटी, रेसिपी शेयर करने की क्या जरूरत है, आप ये सब कुछ ना सुंदस को सिखा दो। जब भी मेरा कुछ खाने को दिल करेगा ना, तो सुंदस को किचन में घुसा दूंगी। सुंदस? एक्सक्यूज मी मैडम, सुंदस फ्यूचर में मेरी होने वाली वाइफ है, आपकी पर्सनल शेफ नहीं, समझे आप? इब्तदा इश्क है ना, वी विल सी। वैसे भाई साहब, ये तो बताएं कि आपको तहरीम के हाथ की सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद है? सब कुछ ही अच्छा बना लेती है। कोई सियासी बयान नहीं चलेगा, आपको कोई एक डिश बतानी पड़ेगी जो आपको सिर्फ तहरीम आंटी के हाथ की पसंद है। बाबा बताइए ना। सेवैया। सेवैया। मात खाई है यूं मुकद्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना। तूने तहरीम से बात की? कौन सी बात? कौन सी बात? एक हफ्ते से मैं तहरीम के जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, और तुम कह रही हो कौन सी बात? अच्छा, ये कि आप उसे पसंद करें। जाहिर है नायला, मैंने कौन सी तुम्हें 10 बातें कह दी थी, ये एक बात कही थी मैंने ताकि मुझे उसका रिएक्शन पता चले। हाँ, मैंने सरसरी अंदाज में बात की थी। सरसरी अंदाज में? मेरा मतलब है कि मैंने उसे कहा था कि मुझे लगता है कि एहतिशाम तुम्हें पसंद करने लगे। अच्छा, तो उसे क्या कहा? उसने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो एहतिशाम मुझसे खुद कहते। मैं नए जमाने की लड़की हूँ, इस तरह की बातों को फेस कर सकती हूँ, और ये कि एहतिशाम को पैगामात भिजवाना जेब नहीं देता, कबूतरों का दौर नहीं। तुम्हें क्या लगा मुझे पसंद करती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। तुम्हारे ख्याल में मुझे उससे बात करनी चाहिए? देर हो गई है, अब मैं इंतजार कर रही होंगी। चले। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था मेरी जन्नत भी, वही आशियाना था। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नायला, पागल हो गई हो? नागबत अंदेशी की भी हद होती है, खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी का सामान कर रही हो। बर्बादी कैसी हो गई, दलाबाद हुआ ही कब था? बंद कर दो ये अफसानवी बातें, किताबी जुमले। तुमको तो शायद अफलातून या बुखरात ने घुट्टी पिलाई थी जो इतनी समझदार निकली हो। हीरे जैसे लड़के को हाथ से निकाल दिया और तमाशाई बनी देखती रही। तो क्या करती, हाथ जोड़ती उनके सामने, पैर पड़ती कि तहरीम का ख्याल दिल से निकाल दे, क्योंकि मेरे दिल में आपका ख्याल बसा हुआ है। दिल पर तो किसी को इख्तियार नहीं होता ना अम्मी, तो एहतिशाम को भी नहीं होगा। अरे तुम पर अभी तुम्हारे बड़ों का इख्तियार बाकी है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और एहतिशाम की भी। अभी जाके पूछती हूँ फजीलत आपा से, अपने बेटे की मर्जी मालूम किए बगैर क्या जरूरत थी मेरी बेटी का मुझसे हाथ मांगने की? नहीं, क्या फायदा इन बातों का, उल्टा एहतिशाम की नजरों में मेरा इमेज खराब होगा। अरे भाड़ में जाए ऐसा इमेज जो उसे तुम्हारी जाने पर रागिब नहीं कर सका। जुमा जुमा 8 दिन हुए उस लड़की को। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां
अल्लाह इनके फेर से बचाए। आप भी अम्मी कहाँ के कहाँ मिलाती हैं। अब इस सारे किस्से में तहरीम का क्या कसूर? तहरीम को तो एहतिशाम के जज्बात का इल्म ही नहीं है। ये सारा मामला तो एहतिशाम की तरफ से शुरू हुआ है ना। बीबी ज्यादा सबक ना पढ़ाओ मुझे, दुनिया देखी है मैंने, भाव बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं मुझे सब पता है। ऐसे ही कोई किसी पे लट्टू नहीं हो जाता, अपनी जानिब खींचने के 100 तरीके होते हैं जिसमें से तुम्हें एक भी ना आया। सुनो लड़की, अगर ये मामला एक तरफा है तो इसको कैसे खत्म करना है ये सोचो, इन दोनों के दरमियान खलीज का काम करो, पुल का नहीं, समझी? देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लड़के ने अभी उड़ान नहीं भरी है, अभी सिर्फ पर पड़ पड़ा है। मैं फजीलत आप और अजमत से बात करके इसके पर कतरती हूँ। ये असासा था जिंदगानी का, टूटने से इसे बचाना था। कब से चल रहा है ये सिलसिला? 2 महीने हुए ऐसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए। और दिखने में कैसी है? अच्छी है, तभी तो एहतिशाम ने पसंद किया है। रहने ही दो, हर टेढ़ी मेढ़ी औरत जो होती है ना मर्द को किसी ना किसी तरह रिझाई लेती है। तुम तो नायला क्या कहो, किसी काम की नहीं निकली। मैं और अम्मी तो कब से पक्का किए बैठे कि तुम्हारी और एहतिशाम की शादी इसी साल कर दे, और तुम 2 महीने से ये तमाशा देख रही हो। हमें अब बता रही हो जब पानी सर से ऊंचा हो गया, बहुत अफसोस की बात है। अस्मत आपा, मुझे खुद एहतिशाम ने 1 हफ्ता पहले बताया। तो हमें तो तुम फिर भी 1 हफ्ते के बाद बता रही हो। तो एहतिशाम ने मुझे मना किया था कि इस बात का जिक्र फिलहाल मैं किसी से ना करूं। वाह, उसने मना किया और तुम मान गई। तुम्हें तो मेडल मिलना चाहिए इस बात का। क्यों अम्मी? मेरी बेटी तेज तर्रार और शातिर नहीं है अजमत, और भोली भाली सीधी सादी है नायला। सुरैया खाला, ये मासूमियत और सीधी सादी को दूसरे लफ्जों में कहते हैं बेवकूफी और कमअक्ली। ये खुद तो उसे खो ही रही है, साथ साथ माँ और बहन से भी दूर करने का सामान कर बैठी। वो क्या कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सुरैया तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अरे मेरे बेटे की दुल्हन बनकर इंशाल्लाह नायला ही मेरे घर में आएगी, और देखती हूँ एहतिशाम कैसे मना करता है अपनी माँ। और अगर उसने किसी और लड़की से कर भी ली ना, तो ना को चने चबा दूंगी उसे, याद रखिएगा अम्मी। काश बढ़ते ना फासले जाना, इज़्ने रुख्सत मुझे मिले जाना, वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था मेरी जन्नत भी वही आशियाना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नायला। नहीं करे एहतिशाम, जानबूझकर मैंने नहीं किया ऐसा। देखो तुम अम्मी और अजमत आबा को अच्छी तरह समझती हो, उन्हें किसी बात पर कन्विंस करना कितना मुश्किल है जानती हो ना। मैं वक्त से पहले तहरीम के बारे में बताकर उनको कॉन्शियस कर दिया। लेकिन मैंने अजमत आपा और खाला को तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अम्मी से बात की थी। यानी कि तुमने नाक यूं नहीं यूं पकड़ ली है? बहुत खूब। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो तुम्हारी अम्मी को पता हो और मेरी अम्मी को और अजमत आपा को पता ना? शाम मैं तो अम्मी से भी ये बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे बताना पड़ गया। साफ साफ बताओ क्या बात? वो अजमत आपा और खाला ने क्या? अजमत आपा और खाला ने अम्मी से आपके लिए मेरा हाथ मांगा, बस इसीलिए मुझे बताना पड़ा कि आप किसी और को पसंद करते हैं। लेकिन आप यकीन करें मैं तो दिल से चाहती हूँ जो आप चाहते हो वो हो। देखो नायला, अम्मी ने मेरे से तुम्हारे बारे में बात की थी, लेकिन मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं, इस नजर से तुम्हें कभी नहीं देखा। ठीक है, हम बचपन से साथ पले बड़े, एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे दोस्त हैं हम, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कभी वो जज्बा महसूस ही नहीं किया जो जिंदगी में एक बार किसी के लिए महसूस किया जाता है। मेरे ख्याल में तुम्हारी भी फीलिंग्स यही है। खैर, मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि मैं नायला से शादी नहीं कर सकता, मैं तहरीम को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता। सच तो ये है नायला कि मैं तहरीम के बारे में बहुत संजीदा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की उसकी जगह ले सकती है।
नायला, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे इसके बारे में। सॉरी, आई थिंक आप लोग कोई जरूरी बात कर रहे थे, मैं दोबारा आ जाऊंगी। नहीं नहीं तहरीम, तुम ठीक वक्त पर आई हो। मेरा ख्याल है मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, आप दोनों बैठ के बातें करें। एक्सक्यूज मी। ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत, है नाज क्यों कहे ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत। कोई सियासी बयान नहीं चलेगा, आपको कोई एक डिश बतानी पड़ेगी जो आपको सिर्फ तहरीम आंटी के हाथ की पसंद। तेरी बादशाहत भावा बता गया ना, अब किसी से नहीं गिले जाना, इसने रुख नहीं मिले जाना, इसने रुख नहीं मिले जाना। जी फरमाइए, हम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ऐसी कौन सी बात थी जो ऑफिस में नहीं हो सकती थी? बस यहाँ लेकर भी आए हैं तो एक घंटे से खामोश बैठे। क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये बात सुन के तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा। मेरे रद्द अमल से डर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे इनकार से डर रहा हूं। हो सकता है मैं इनकार ना करूं? इसी उम्मीद पर तो पिछले एक घंटे से खामोश बैठा हूं। इजहारे मोहब्बत के लिए तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है क्या? कभी तुम नायला से कहलवाते हो, कभी यहाँ आकर बैठ जाती हो और फिर एक घंटे से कुछ नहीं कहते। जब मोहब्बत की है तो इजहार की जुर्रत भी होनी चाहिए। जुर्रत तो है लेकिन शायद सलीका नहीं है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। तहरीम, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी में शामिल होना पसंद करोगी? वो तो ठीक है लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। कुछ तो आता होगा। मुझे बस सेवैयां बनानी आती है। ठीक है, मैं सारी जिंदगी सेवैयां खाऊंगा। कैसे ज़ादेरा लुट गया है राहों में आज भी दूर, सदा पुकारूं मैं, है तू शामिल मेरी दुआओं में, तुझको खोने का हौसला नहीं, तू कमी कर मेरी सजाओं में, तोड़ मामा, मामा आप यहां ऐसे अकेली क्यों बैठी हैं? आप रो रही हैं? मामा फिर आ गया। कौन? वो फिर हमारे दरमियान आ गई। कौन हमारे दरमियान आया मामा, क्या हुआ है? वो उसे छीन लेगी, उसे मुझसे छीन लेगी, मुझे यकीन है वो उसे छीन लेगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं परेशान हो रहा हूँ मामा। एहतिशाम प्लीज मुझसे दूर मत हो, मुझसे दूर मत हो, मुझमें हौसला नहीं आपके जैसा। Yeah.
मामा वो सायरा आंटी आपको बुला रही है, उन लोगों ने शायद कोई जरूरी बात करनी है आपसे, आप जाकर उनका पास बैठे, मैं चाय ले आऊंगी। नहीं तुम जाओ, मैं आ जाऊं। तो भाई साहब आप बताइए ना, 10 तारीख मुनासिब रहेगी ना नवंबर की? आपने बताया नहीं 10 तारीख मुनासिब रहेगी ना? दस नवंबर के अलावा कोई और तारीख रख ले। अच्छा खैर अगर आपको पसंद नहीं है तो 10 तारीख के अलावा कोई तारीख रख लेते हैं, मगर 10 नवंबर में कोई मसला है? वो 10 नवंबर को हमारी शादी होगी। फिर तो ये परफेक्ट है, 10 नवंबर से बेहतर दिन तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्यों हैदर? सुन दस, प्लीज मामा आप ये मामला मुझ पर और हैदर पर छोड़। जैसे मेरी बेटी की खुशी, ठीक है 10 नवंबर ही की। अच्छा भाई मुबारक हो, तहरी बहुत मुबारक, खैर मुबारक। वैसे आंटी इस बात में क्या राज है कि आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन शादी की डेट नहीं रखना चाह रही? वो दरअसल मामा चाहती हैं कि खुशी का मौका साल में एक बार नहीं दो बार आए। क्यों मामा? तो फिर डन हो गया, आज के इस खुशी भरे दिन को चल के सेलिब्रेट कर, और वो भी आइसक्रीम खा के। मेरे ख्याल से मेरे इस आइडिया पे किसी को इतराज नहीं होगा, क्यों अंकल? भाई ये तो बच्चों की खुशी है, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। प्लीज बाबा चले ना, हम सब साथ जाएंगे, कितना मजा आएगा। प्लीज प्लीज मामा चले आंटी। अच्छा चलो। मेरी तो इतनी तबीयत खराब है, फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मगर आप आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे, पसंद नहीं है क्या? नहीं मुझे पसंद नहीं। हैरत की बात है, आइसक्रीम ना पसंद करने वाले लोग भी हैं। वक्त वक्त की बात है, पसंद भी मौसम की तरह होती है। दरअसल औरत फितरतन जूद फरामोश होती है, वो भूल जाती है कि उसको क्या पसंद था, उसकी क्या तरजीहात थी। लीजिए भाई साहब, आपने तो हमें अब कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वैसे आपने मर्दों के बारे में कोई इंकशाफ नहीं किया। रहने दे सायरा, मर्दों की दुनिया है, मर्दों की बादशाहत, मर्दों की अदालत और मर्दों के फैसले, मेरे और आपके इंकशाफात की कोई अहमियत नहीं। बहुत ही दिलचस्प नोक छोड़ के आप, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। अरे मेरी बेटी की अमेरिका से कॉल आ रही, एक्सक्यूज मी मैं भी आई। हेलो, बराए मेहरबानी मेरी जात को हर वक्त डिस्कस ना करें और तंज और तानों से गुरेज करें, बड़ा एहसान होगा आप। चार दिन इज्जत से गुजर जाए यही बड़ी बात। क्या कर सकता हूँ तहरी, जब भी बात बेवफाई खुदगर्ज़ी की आती है तुम्हारा जिक्र खुद ही आ जाता है। सारे एहसानात तुम्हारे और सारे कसूर मेरे, मुझे तुमसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही है कि अब हम एक दूसरे की अजनबियत का भी एहतराम किया करें। घर से फोन आ रहा है, इनको भी अब चलना चाहिए।
सुंदस, दानियाल तहरीम कहाँ हो तुम? वो मैं सुंदस के इन-लॉज के साथ बाहर चली गई थी, अचानक प्रोग्राम बन गया था, फोन घर पे ही रह गया। हद होती है, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, डेढ़ घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, कोई कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा था। अच्छा तो सुंदस के फोन पे कर लेते। सुंदस को भी फोन कर रहा था मैं, वो भी फोन नहीं उठा रही थी। अच्छा, हालांकि सेल फोन तो उसके पास ही था। पता है मैं इतना परेशान हो गया था कि गाड़ी लेके निकल खड़ा हुआ तुम्हारे घर आने के लिए। अब रास्ते से वापस मत चले जाना, घर आ जाओ, तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। नहीं, अब काफी देर हो गई है, मैं वापस जाता हूँ घर ही। अरे आ जाओ ना दानियाल, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। आज सुंदस के इन-लॉज ने उसकी शादी की डेट पक्की कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की खबर है भाई। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, सुंदस तुम्हारी भी तो बेटी है। बिल्कुल, बस तुम फिर कॉफी तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ सुंदस को प्यार देने के लिए। ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुंदस जी, तुम्हारे दानियाल अंकल का फोन आ रहा था तुम्हारे सेल पर। जी आई थी। तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? था बाबा मेरे साथ। तो क्या मतलब है इस बात का? बाबा उन्हें पसंद नहीं करते और मैं नहीं चाहती कि मैं बाबा को किसी भी किस्म का दुख। तुम कहना क्या चाह रही हो? मामा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दानियाल अंकल को अब यहाँ आने से एहतियात करनी चाहिए। बाबा डजंट लाइक, बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आकर मुझसे या आपसे मिले। और जो चीज मैंने बाबा को अच्छी नहीं लगती मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बाबा को तो मैं भी पसंद नहीं हूँ, तो फिर क्या करोगी? मुझसे भी मिलना छोड़ दोगी? जब ये गलत फहमी है। I'm pretty sure he still loves you. Shut up. तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी फजूल बातें करते हुए? तुम्हारे बाप को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, I damn care. But I care, मामा. अच्छा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी माँ के मुकाबले आकर बात करोगी? इतनी सी थी तुम, इतनी सी, जब तुम्हारे बाप ने मुझे और तुम्हें बेछत बेआसरा कर दिया था। उस वक्त इस भरी दुनिया में सिवाय तुम्हारे दानियाल अंकल के और कोई नहीं था जो हमें हौसला देता, सहारा देता। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारे सामने दानियाल की सफाई पेश करना पड़ रही है। यू नो, तुम भी अपने बाप जैसी हो, एहसान फरामोश और बेमुरव्वत। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मामा को हुआ क्या था डॉक्टर? डिप्रेशन, किसी बात ने इन्हें परेशान किया है। कोई भी घरेलू मसला, टेंशन, उलझन, कोई भी वजह हो सकती है। खवातीन किसी ज़हनी दबाव की वजह से उमूमन इस तरह के डिप्रेशन में चली जाती है। हमने इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, आप 1 से 1.5 घंटे बाद इन्हें घर ले जा सकते हैं। एनी प्रिकॉशंस डॉक्टर? इन्हें परेशान ना होने दें, खुश रखें। That's it. Thank you, doctor. You're welcome.
भाई तहरीन बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो दानियाल। इतनी सी थी सुंदस, आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी होने जा रही है। बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं जानती हूँ दानियाल, तुम बहुत खुश हो। तुमने हमेशा सुंदस को जिस प्यार और शफकत से देखा है, एक बाप ही अपनी बेटी को इस नजर से देखता है। पर सुंदस है कहाँ, बुलाओ तो उसे, मुबारकबाद तो दे दूं। इरफान में लॉन में बैठी हुई है। अच्छा, तो चलो वहीं चलते हैं, उसे विश कर देता हूँ। आ जाओ। I'm surprised कि अंकल अभी तक इतने स्मार्ट कैसे हैं। मैंने सुना है जिन खवातीन के हाथ में बहुत टेस्ट होता है, उनके हस्बैंड फॉरेन मोटर हो जाते हैं। मौत खाई है मुकद्दर। वैसे भाई साहब, आपको तहरीन के हाथ की सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद है? न मिले प्यार के सिले जाना। बाबा बताइए ना। जिसकी खाते मिटा दिया खुद को, इसने रुखसत मुझे।